ओम शांति। बाबा की साकार मुरली है, अप्रैल 20th 2024, बाप दादा मधुबन, श्री बाबा के महावाक्य। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें योग बल से इस खारी चैनल को पार कर घर जाना। कैसे घर जाना है? योग बल से। और कैसी चैनल है? खारी चैनल है। इसलिए जहाँ जाना है उसे याद करो। कहाँ जाना है? अपने घर जाना है। इसी खुशी में रहो कि हम फकीर से अमीर बनते हैं। कलयुगी से सतयुगी दुनिया में जाने के लिए लायक बनते हैं, मतलब फकीर से अमीर कुछ भी नहीं है, उसमें से अमीर थे अमीर। प्रश्न है, देवी गुणों की सब्जेक्ट पर जिन बच्चों का ध्यान है उसकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, उनकी बुद्धि में रहता जैसा कर्म हम करेंगे हमको देख दूसरे करेंगे। कभी किसी को तंग नहीं करेंगे, क्योंकि क्या है, हम खराब करेंगे तो दूसरे भी क्या करेंगे, हमें देख करेंगे तो ऐसे करते हैं तो वो भी ऐसे ही करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं वो नहीं करेंगे, कोई भी कर्म खराब नहीं करेंगे और किसी को तंग नहीं करेंगे। उनके मुख से कभी उल्टा सुलटा शब्द नहीं निकलेगा। मन वचन कर्म, मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देंगे। बाप समान सुख देने का लक्ष्य है तब कहेंगे देवी गुणों की सब्जेक्ट पर ध्यान है। चार मुख्य बातें, पहले कभी किसी को तंग नहीं करेंगे, मुख से उल्टा सुलटा नहीं बोलेंगे, मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देंगे, और चौथा है सदा सुख देंगे बाप की तरह। ये है देवी गुणों की सब्जेक्ट पर जिनका ध्यान होगा उनकी निशानियां। इसलिए उनकी बुद्धि में क्या रहेगा, जैसा हम करेंगे हमें देख और करेंगे। इसलिए खूब ही ख्याल रखेंगे अपनी ये चार बातों पर। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे। कौन समझा रहा? रूहों का पिता परमात्मा, ऑल माइटी ऑथोरिटी। याद की यात्रा भी सिखला रहे। याद की यात्रा का अर्थ भी बच्चे समझते होंगे। भक्ति मार्ग में भी सब देवताओं को शिव बाबा को याद करते, परंतु यह पता नहीं था कि याद से ही विनाश होंगे। भक्ति में भी याद तो करते शिवलिंग के रूप में शिव बाबा को, मगर ये पता नहीं था कि याद से विकर्म विनाश होंगे। कैसे होंगे, क्या होगा, कुछ पता नहीं था। हमें भी कहाँ पता था, जब तक बाबा का ज्ञान नहीं मिला तब तक हम भी वैसे ही थे। बच्चे जानते हैं बाप पतित पावन है, वही पावन बनाने की युक्ति बताते हैं। जो जैसा होगा वैसा ही गाइड करेगा। वो पतित पावन है तो पतित से पावन बनाने की युक्ति वो ही बता सकता है। और आत्मा को ही पावन बनना है, आत्मा ही पतित बनती है, शरीर की कोई बात ही नहीं। बच्चे जानते हैं क्या, भारत में ही बाप आकर याद की यात्रा सिखलाते हैं और कहाँ भी सिखला ना सके। भारत की भूमि पर ही भगवान की पधरामणी होती है। काफ़ी बाबा के बच्चों ने प्रयत्न किए, अदब दादी आई थी फॉरेन कंट्रीज में, लंदन और वेस्टर्न वर्ल्ड में, बाबा कभी नहीं आए। बाबा कहते हैं मेरी अवतरण भूमि भारत है, भारत भूमि पर ही मैं आ सकता हूँ। इसलिए बाबा कहते हैं कहाँ आकर सिखलाएंगे, भारत में ही, और जगह पर वो आ ही नहीं सकता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि मैं भारत की भूमि पर ही आता हूँ और आकर बच्चों को समझाता हूँ। बाकी कोई समझा ही नहीं सकता है जैसा बाप समझाता है। इसलिए बाबा कहते हैं वहाँ ही मैं आता हूँ सिर्फ।
जिस्मानी यात्राएं तो बच्चों ने बहुत की है, यह यात्रा सिर्फ एक बाप ही सिखला सकते हैं। शरीर की यात्रा है, जिस्म की यात्रा है ना, काशी जाना, जेरूसलेम जाना, मक्का जाना, ये सब क्या है? जिस्मानी यात्रा है। सब धर्म वाले करते हैं, जो भी धर्म में हमने जन्म लिया होगा वो सब धर्म वाले यही करते हैं। बाबा कभी नहीं कहता है कि जिस्म की यात्रा करो, बाबा हमेशा कहते हैं मन और बुद्धि से यात्रा करो। जिस्म कहीं भी हो, क्या फर्क पड़ता है, चाहे भारत में हो चाहे फॉरेन कंट्रीज में हो। अब तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, क्या समझाया है? माया के कारण सबकी बुद्धि को बेसमझी का ताला लगा हुआ। कौन सा ताला लगा हुआ है? बेसमझी का, समझ नहीं रहे। अभी बाप द्वारा तुमको मालूम पड़ा है कि हम कितने समझदार, धनवान और पवित्र थे। पहले हमें ये पता नहीं था कि हम ही लक्ष्मी नारायण थे या हमारे पूर्वज लक्ष्मी नारायण थे। कोई ऐसा मानता, उसको तो अलग ही डिग्री देकर अलग ही रखते थे। बाबा ने आकर हमें समझदार बनाया है। हम सारे विश्व के मालिक थे, जैसे अंग्रेजों ने पूरी की पूरी हमारी प्राइमरी लेवल की एजुकेशन सिस्टम, गुरुकुल को ख़त्म करके यही सिखाया। क्या सिखाया? एवरीथिंग फॉरेन इज गुड एंड बेटर देन अस। और हमारा 200 साल में पूरा का पूरा परिवर्तन कर दिया। 1835 से भी 1935 तो आया नहीं है। कहने का मतलब इतना पावर है हमारे थॉट्स के अंदर, वो सब कुछ हमारे सामने है। इसलिए बाबा कहता है कि बाबा ने आकर क्या कहा, आप सामान्य इंसान नहीं हो, आप जो अपने को देख रहे हो सोच रहे हो वैसे नहीं हो, आप विश्व के मालिक थे। अब फिर बन रहे हैं, इतना समान ऊंचा उठा दिया कि हमारी थॉट से ही सब कुछ धीरे धीरे परिवर्तन हो जाता है। पहले स्व परिवर्तन, और स्व परिवर्तन के आधार पर ही विश्व परिवर्तन। बाप कितनी बड़ी बेहद की बादशाही देते हैं। लौकिक बाप करके लाख करोड़ देंगे, तो कितना देंगे देख। यहाँ तो मीठा बेहद का बाप बेहद की बादशाही देने आए हैं, इसलिए तुम वहाँ यहाँ बढ़ने आए हो। क्यों बढ़ने आते हैं? खाली खाली नहीं आते। हमारा एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण बनना। इसलिए बाबा कहते हैं पढ़ने आए हो, किसके पास आए हो? बेहद बाबा के पास। बाबा अक्षर मम्मा से भी मीठा है। भल मम्मा पालना करती है परंतु बाप फिर भी बाप है, जिससे बेहद का वर्षा मिलता। लौकिक पिता की बात नहीं, बेहद का बाप की बात। इसलिए बाबा कहते हैं अक्षर मम्मा मीठा है, पालना करती है, मगर वो है सब कुछ, कराने वाला वो है। तुम सदा सुखी और सदा सुहागिन बन रहे हो। बाबा हमको फिर से क्या बनाते हैं? यह कोई नई बात नहीं है। बाबा कहते जे ड्रामा, रिपीटेशन ऑफ ड्रामा। गायन भी है, कौन सा गायन है? सुबह को अमीर था, रात को फकीर था। सतयुग मतलब हेवन और हेल की ही बात है। सुबह को अमीर था, रात को फकीर था। तुम भी सुबह में अमीर मतलब सत्युग त्रेता में अमीर, और फिर बेहद रात में फकीर बन जाते हो द्वापर कलयुग में। बाबा रोज रोज स्मृति दिलाते, बच्चे कल तो तुम विश्व के अमीर थे, आज तुम फकीर बन पड़े हो। वो पूछते थे ना आज के मुरली में भी यही था ना, कहाँ गंवा दिया मैंने, इतना सारा वर्षा दिया था आपको। अब फिर सुबह आती है तो तुम अमीर बन जाते हो। कितनी सहज बात है। अब कहते मैं कोई गुह्य बातें इतनी नहीं सुनाता, कितनी सहज बात है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए किसकी? अमीर बनने की। ब्राह्मणों का दिन और ब्राह्मणों की रात, ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात, सो ब्राह्मणों का दिन और ब्राह्मणों की रात। अब दिन में तुम अमीर बन रहे हो और बनेंगे भी जरूर, बाबा की गारंटी है, बना कर ही छोड़ेगा वो। परंतु कैसे बनेंगे? नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार।
वो खजाने तो सबको देता है, पर हम खजाने का यूज नहीं करेंगे तो वृद्धि कैसे होगी। बाप कहते हैं, यह वह खारी जनल है जिसे तुम ही पार करते हो योग बल से। खारी जीवन कैसा हो गया? खारा हो गया। आत्मा कैसी हो गई? खारी हो गई। विकारों से ग्रसित हो गई आत्मा, विकारों के अधीन हो गई, से खारी हो गई। जहाँ जाना है उनकी याद रहनी चाहिए। जाना है परम धाम, बाबा के पास तो याद रहनी चाहिए, परम धाम और बाबा। हमको अब घर जाना है, बाबा खुद आया है हमको लेने, वो खुद आ गया नीचे, क्योंकि हमें तो रास्ता ही पता नहीं था। बहुत प्यार से समझाते, क्या समझाते? मीठे बच्चे तुम ही पावन थे, 84 जन्म लेते लेते पतित बने हो, फिर पावन बनना। बाबा कहते कोई चारा ही नहीं, ये दुनिया का लॉ है, कोई भी चीज नई से पुरानी, पतित से पावन, पावन से पतित बनती ही, अगर बनाने वाला कोई चाहिए ना, इसलिए बाबा आया हुआ है। पावन बनने का और कोई उपाय नहीं है, एक ही उपाय है, बाबा की याद और स्वदर्शन चक्र घुमाओ। मन मना भव, मध्या जी भव, तुम जानते हो पतित पावन आते हैं और तुम उनकी मत पर चल पावन बनते हो। उनकी मत है श्रीमत, परमत मनमत से हम दूर जाते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होती है क्या कि हम यह पद पाएंगे? बाप कहते हैं, तुम एक ही जन्मों के लिए सदा सुखी बनेंगे। ये बाबा की ब्लेसिंग है, बाबा का ये इनहेरिटेंस है। बाप सुख धाम का, रावण दुख धाम का वर्षा देते, वर्षा तो दोनों देते हैं मगर ऑपोजिट वर्षा है। तुम बच्चे अभी जानते हो रावण तुम्हारा पुराना दुश्मन है, जिसने तुमको 5 विकारों रूपी पिंजड़े में डाला है। देह अभिमान आया, धीरे 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 सब विकार घुसे। क्यों? क्योंकि प्योरिटी की पावर डाउन हुई। बाप आकर निकालते हैं उसमें से, जितना जो बाप को याद करते हैं उतना औरों को भी परिचय देते हैं। क्या कहा बाबा ने? जितना जो बाप को याद करते हैं उतना औरों को भी परिचय देते हैं। याद के आधार पर ही सेवा होती है। मनसा वाचा कर्मणा दान मान धन, जो भी हो सके बाबा कहते करो। हम आत्मा भाई भाई है, घर में घर से यहाँ आए हैं, क्यों भिन्न भिन्न पाठ में जाने? दूसरा कोई भी संबंध नहीं बाबा कहते। सारा पाठ कैसे बसता है यह भी तुम्हारी बुद्धि में है और किसी की भी बुद्धि में नहीं। वो 84 लाख जन्म कह देते हैं, बाबा कहते हैं सिर्फ 84 लाख। वो लाखों साल का साइकिल कह देते हैं, बाबा कहते हैं सिर्फ 5,000 वर्ष। तो पूरा का पूरा बाबा कहते हैं बुद्धि में आ जाता है। जिनको पक्का निश्चय है वह आकर रिफ्रेश होते हैं। यह कोई ऐसी पढ़ाई नहीं है जो तुमको टीचर के साथ ही रहना है, नहीं। कहाँ भी रहो, दुनिया के कोई कोने में रहो, अपने घर में रहते भी पढ़ाई कर सकते हो, और अभी तो एट फिंगर टिप है। सिर्फ 1 हफ्ता अच्छी तरह समझो, फिर ब्राह्मणियाँ कोई को 1 मास में, कोई को 6 मास में, कोई को 12 मास के बाद ले आती है। बाबा कहते हैं निश्चय हुआ और भागा, जब तक निश्चय न हो तब तक कहते बाबा लाओ नहीं। अभी तो लॉ बन गया है बाबा का कि मिनिमम 1 साल चले, बाद में ही लेकर जाओ। राखी भी बांधनी है, हम विकार में नहीं जाएंगे। राखी बांधना मतलब प्रतिज्ञा करना। हम शिव बाबा से प्रतिज्ञा करते, शिव बाबा ही कहते हैं, क्या कहते हैं? बच्चों तुमको निर्विकारी जरूर बनना। ये कोई दादा नहीं कहता, ये परमात्मा कहता है। अगर विकार में गए तो की कमाई चट, 100 गुना दंड पड़ जाएगा। 63 जन्म तुमने गोते खाए, बाबा कहते 63 जन्म तो ये किया। अब कहते हैं पवित्र बनो, मेरे को याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बाकी और कोई रास्ता ही नहीं है पाप भस्म करने का।
और कैसे हो गए पाप भविष्य में, कैसे याद करेंगे आत्मा भाई भाई है। जब तक आत्मा नहीं समझेंगे तब तक बाप बाप की याद आ नहीं सकती है। किसके नाम रूप में फंसना नहीं है। अगर कोई रेगुलर पढ़ाई नहीं पढ़ता है तो जल्दी में नहीं ले आना चाहिए कहाँ माउंट आबू, इसलिए रेगुलर पढ़ाई पढ़े। भले बाबा कहते एक दिन में भी तीर लग सकता है परंतु समझ से भी काम लेना है। बाबा कहते हैं ना एक संकल्प में ही, बाबा के बच्चे बच्चे वैसे एक दिन में भी तीर लग सकता है परंतु समझ से भी काम लेना है कि कितना समझा है, कितना बाबा का बाबा के अंदर फेथ है। तुम ब्राह्मण हो सबसे उत्तम, यह तुम्हारा बहुत ऊंचा कुल है, वहाँ कोई सत्संग आदि होते नहीं। कहाँ सतयुग में कोई सत्संग की जरूरत नहीं है, वहाँ सत्संग भक्ति मार्ग में होता है, वहाँ भक्ति मार्ग ही नहीं, सब कुछ खत्म, भक्ति का नाम निशान मिट जाता है। ज्ञान भी सिर्फ इतना ही है कि मैं आत्मा हूँ, परमात्मा और सृष्टि चक्र का ज्ञान भी उड़ जाता है। तुम जानते हो सत का संग तारे, और सत का संग मिलता है ही तब है जब सतयुग की स्थापना होनी होगी। स्थापना होने के बाद सत का संग नहीं मिलता है, जब होनी होगी तब मिलता है। यह किसकी बुद्धि में नहीं आता, क्योंकि बुद्धि को ताला लगा हुआ है। अब सतयुग में जाना है, सत का संग मिलता ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। सिर्फ एक ही युग को यह वरदान है, कलयुग का अंत सतयुग की आदि, बाकी कहीं भी परमात्मा आते नहीं। और वो सत कलयुग का ही पार्ट है, सतयुग में तो बाबा की जरूरत ही नहीं है। वह गुरु लोग तो संगम युगी है नहीं, क्योंकि वो तो मानते ही नहीं है। बाबा जब आते हैं तो बेटा बेटा कब बुलाते हैं, बच्चे बच्चे क्या बेटा बेटा। उन गुरु लोगों को तुम बाबा थोड़ी कहेंगे, कौन गुरु लोगों को जो दुनिया में है उनको, वो लौकिक बाबा कहते हैं, मगर वो बाबा नहीं है जो निराकार ही हो। एकदम बुद्धि को गोदरेज का ताला लगा हुआ है, बाबा आकर ताला खोलते हैं। बाबा देखो कितनी युक्ति रचते हैं कि मनुष्य आकर हीरे जैसा जीवन बनाए, है ना। कल हमने भी स्कारबरो में प्रोग्राम रखा है, जो आसपास में रहते सबको इनविटेशन देना जी, अपने साथ संबंध संपर्क में है जो भी है वो तो सबको 10 से 6 22-50 मिडलैंड एवेन्यू यूनिट 3 सबने बोला है कि एक एक बाबा का बच्चा 10-10 बच्चे को लाए जो ज्ञान में नहीं चलते हैं, तो क्या हो जाएगा, अच्छी सेवा हो जाएगी। ओपन हाउस रखा है तो समझाएंगे थोड़ा थोड़ा, और बाबा का बच्चा बनेंगे तो बाबा का घर तो देखेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं कि युक्ति जरूर कोई ने कोई रच ली है। बाबा देखो कितनी युक्ति रचते हैं कि मनुष्य आकर हीरे जैसा जीवन बनाए, मैगजीन किताब आदि छपाते रहते हैं बाबा। हमने भी काफ़ी पैम्पलेट छपाए जो आपको भेजे भी ई कॉपी में। बहुतों का कल्याण हो तो बहुतों की आशीर्वाद भी मिलेगी। प्रजा बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। बाबा का बच्चा न भी बने मगर प्रजा में तो आ जाएंगे, बुरा नहीं फॉलो करेंगे तो भी कोर्स करेगा। तो अपने को बंधन से छुड़ाना चाहिए, सरे निर्वाह और सर्विस तो जरूर करनी है। बाबा कहते घर का जो काम काज है, शरीर को जो चाहिए उतना पैसा जरूर कमाना। ईश्वरीय सर्विस होती है सिर्फ सुबह और शाम को, उस समय सबको फुर्सत है। जिसके साथ तुम लौकिक सर्विस करते हो उनको भी परिचय देते रहोगे तुमको दो बातें। लौकिक सर्विस करते हो जहाँ हम जॉब करते हैं धंधा करते हैं नौकरी करते हैं उसकी बात क्या कहो, तुमको दो बातें। लौकिक बाप सबका अलग है, पारलौकिक बाप सबका एक है, वह सुप्रीम है सर्वोपरि है। बाबा कहते हैं मेरा भी पार्ट है। अब तुम बच्चे मेरा परिचय जान गए हो, है ना। हम सब कुछ जानते हैं ना, बाबा का रूप क्या है, नाम क्या है, कहाँ रहता है, क्या क्वालिटीज है, क्या करता है।
आत्मा के लिए कहते हैं भ्रुकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा आदि आदि, वह अकाल तख्त भी है। आत्मा का अकाल तख्त है क्या? शरीर का भ्रुकुटी। आत्मा को कभी काल नहीं खाता, आत्मा कभी भी मरती नहीं, एनर्जी है, एनर्जी निधर भी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। वह सिर्फ मैली और साफ होती है, मैली मतलब विकारी, साफ मतलब निर्विकारी। आत्मा का तख्त शोभता भी है भ्रुकुटी के बीच में। तिलक की निशानी भी यहाँ देते हैं। तिलक किसका यादगार है? आत्मा का यादगार। बाप कहते तुम अपने को आपे ही राज तिलक के लायक बनाओ, ऐसे नहीं कि मैं सबको राज तिलक दूंगा। बाप कहते वो थोड़ा देगा, सबको देगा तो सबको राजा बनाएगा तो कौन प्रजा बनेगा, इसलिए बाबा कहते हैं लायक बनाओ, तुम अपने को दिलाओ राज तिलक। बाबा जानते हैं कौन बहुत सर्विस करते हैं, बाबा को सब पता है ना। मैगजीन में भी लिखत बहुत अच्छी आती, देखो बाबा सब कुछ देखता है। साथ साथ योग की मेहनत भी करनी है जिससे विकर्म विनाश हो। दिन प्रतिदिन तुम अच्छे राजयोगी बन जाएंगे ना, दिन प्रतिदिन बाबा कहते हैं बाबा का जलवा बच्चों के द्वारा और फैलेगा। समझेंगे जैसे कि अब शरीर छूटता है हम चले जाते, सूक्ष्म वतन तक तो बच्चे जाते हैं, मूल वतन को भी अच्छी तरह जानते हैं कि हम आत्माओं का घर है। वो मनुष्य शांति धाम के लिए ही भक्ति करते हैं, है ना, दुनिया में ऊपर जाने के लिए, परम धाम में जाने के, छूटने के लिए भक्ति करते हैं। सुख धाम का तो उनको मालूम ही नहीं है, क्योंकि सुख धाम और दुख धाम को मिक्स कर दिया शास्त्रों के अंदर। स्वर्ग में जाने की शिक्षा तो कोई दे नहीं सकते बाप के सिवा, स्वर्ग नरक मिला दिया है। यह है प्रवृत्ति मार्ग, दोनों को मुक्ति धाम में जाना, पूरा का पूरा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग। वो लोग उल्टा रास्ता बताता है, बताते हैं जाता कोई भी नहीं है, ब्रह्म में लीन हो जाना, मगर जाता कोई भी नहीं। सभी को पिछाड़ी में बाप ले जाएंगे, यह उनकी ड्यूटी है। नाम ही क्या है, महाकाल, लिबरेटर, प्योरीफायर। कोई अच्छी रीति पढ़कर राज्य भाग्य ले लेते हैं, बाकी सब कैसे पढ़ेंगे? एक सरीका तो पढ़ नहीं सकते, स्कूल में भी नंबर वार। वह जैसे नंबर वार आते हैं वैसे नंबर वार जाएंगे। इन बातों में जास्ती समय वेस्ट मत करो, अब कहते ज़्यादा दिमाग नहीं लगाओ, ज़्यादा माता मत। कहते हो बाबा को याद करने की भी फुर्सत नहीं मिलती है, फिर इसमें समय क्यों वेस्ट करते हो? यह तो निश्चय है कि बेहद का बाप बेहद का टीचर और बेहद का गुरु भी है, फिर दूसरे कोई को याद करने की जरूरत ही नहीं है। तुम जानते हो, क्या जानते हो, कल्प पहले भी श्रीमत पर चलकर पावन बने थे, हम ही बने थे और हम ही बनेंगे, नथिंग न्यू। बाबा कहते इसमें कोई नई बात नहीं है, कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। कोई बात की हुई हो और रिपीट करनी हो तो ज़्यादा समय या ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं लगती, इसलिए बाबा कहते घड़ी घड़ी चक्र भी फिराते रहो। हम ही देवता थे, हम ही पूज्य बने, अब ब्राह्मण बने, फिर फरिश्ता बनेंगे, फिर संपूर्ण आत्मा बनकर देवता बन जाएंगे। तो बाबा कहते चक्र घुमाते रहो, तुम्हारा नाम है स्वदर्शन चक्रधारी, नार और रहट का मिसाल। नार होता है ना जो रहट कहते हैं, चक्र घूमता रहता है, पानी बाल्टी भरती है और बाल्टी ऊपर आके खाली तो पानी बाहर जाता है, इसको कहते हैं नार और रहट। ज्ञान सागर से तुम्हें भरने में देरी नहीं लगती, खाली होने में देरी लगती है ना, भरने में एक ही जन्म, खाली होने में 83 बर्थ। इसलिए बाबा कहते हैं भरने में सिर्फ 100 साल के अंदर और खाली होने में पूरा चक्र 5000 साल का ऑलमोस्ट। इसलिए बाबा कहते हैं तुम हो मीठे सिकल दे बच्चे, क्यों? क्योंकि कल्प के बाद आकर मिले हो, यह पक्का निश्चय चाहिए। हम 84 जन्मों के बाद फिर से आकर बाप से मिले, फिर से चक्र,
बाप कहते हैं जिसने पहले भक्ति की है वही पहले ज्ञान लेने के लायक भी बने। क्यों? क्योंकि भक्ति का फल चाहिए, भक्ति का फल है ज्ञान। इसलिए पहले पहले जिसकी पूरी होती है भक्ति वही लेते। इसलिए दादा दादिया जो है ना वो सबसे पहले उनकी भक्ति पूरी होती है, तो 400 का ग्रुप बनता है ना वो। तो सदैव अपने फल अथवा वर्षे को याद करते रहो। फल अक्षर भक्ति मार्ग का है, वर्षा ठीक है, बाबा कहते फल अक्षर भी नहीं, कर्म का फल, बाबा कहते जी नहीं, बाप का वर्षा ऐसा बोलो। बेहद बाप को याद करने से वर्षा मिलता है और कोई उपाय नहीं। वहाँ कर्म की फिलोसॉफी की बात है, बाबा कहते यहाँ याद की बात है, याद भी कर्म है मगर सबसे ऊंचा कर्म। भारत का प्राचीन योग मशहूर है ना, वह समझते हैं हम भारत का प्राचीन योग सीखते हैं, दुनिया में जो योग सिखलाते हट योगी हो, बाबा समझाते हैं वह ड्रामा अनुसार हट योगी बन जाते हैं, ड्रामा अनुसार। जब तक बाप ना आए तब तक भारत का राजयोग कोई सिखला ही नहीं सकता। राजयोग अब तुम सीखते हो क्योंकि अब संगम युग है, यही टाइम है सीखने का राज। अभी तक जो भी सिखाया राजयोग के नाम पर सब कुछ सही नहीं है, उन्हों का धर्म अलग है। किसका? हठ योगी का। वास्तव में उनको गुरु करना नहीं चाहिए क्योंकि उनका निवृत्ति मार्ग है और उनके जो फॉलोवर जिनको गुरु करते हैं उनका प्रवृत्ति मार्ग है। इसलिए बात करते वास्तव में उनको गुरु नहीं करना चाहिए, परंतु यह भी ड्रामा अनुसार फिर भी करेंगे जरूर। तुम बच्चों को अपराइटियस बनना है, रिलीजन में ही ताकत है। तुमको जो मैं देवी देवता बनाता हूँ वह धर्म बहुत सुख देने वाला है। मेरी ताकत भी उनको मिलती है जो मेरे से योग लगाते। तो बाप जो खुद धर्म स्थापन करते हैं उनमें बहुत ताकत है, तुम सारे विश्व के मालिक बन जाते हो। बाप इस धर्म की महिमा करते हैं कि इसमें बहुत माइट है, ऑल माइटी बाबा से माइट बहुतों को मिलती है। वास्तव में माइट सबको मिलती है, परंतु कैसे? नंबर वन, देने वाला खूट है, देता ही रहता है, हमारी चॉइस है कितना लेना कितना नहीं लेना। इसलिए नंबर वन, तुमको जितनी माइट चाहिए उतनी बाबा से लो, फिर देवी गुणों की सब्जेक्ट भी चाहिए। तीसरी सब्जेक्ट है देवी गुणों की। किसको तंग नहीं करना, दुख नहीं देना, यह कभी किसको उल्टी उल्टा सुलटा शब्द नहीं कहते, यह कभी कौन? ब्रह्म बाबा जानते हैं, जैसा कर्म मैं करूंगा मुझे देख और भी करेंगे। ब्रह्मा बाबा, बाबा का रथ था तो उनको देख सब करेंगे ना। आसुरी गुणों से देवी गुणों में आना, हमें भी फॉलो करना है, उनको देखना है हम किसको दुख तो नहीं देते हैं, चेक करना है। ऐसा कोई नहीं है जो किसको दुख नहीं देता हो। देखो बाबा क्या कहते हैं, क्योंकि नेगेटिव सोचना, व्यर्थ सोचना भी दुख देना है। कुछ न कुछ भूले होती जरूर, भूल क्या है? दुख देना, क्योंकि देवताओं भूल होते, कभी भूल नहीं करते। वह अवस्था तो अंत में ही आएगी जो मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख न देवे। इस समय हम पुरुषार्थी अवस्था में हैं, हर बात नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार होती है। सभी पुरुषार्थ सुख के लिए ही करते हैं, कोई दुख के लिए पुरुषार्थ नहीं करता, परंतु बाप बिगर कोई सुख देख दे न सके। देखा जाता है क्या, सोमनाथ के मंदिर में कितने हीरे जवाहर थे, वह सब कहाँ कहाँ से आए, कैसे साहूकार बने, किसने दिए? सारा दिन इस पढ़ाई के चिंतन में रहना चाहिए, गृहस्थ व्यवहार में रह कमल फूल समान पवित्र बनना। तुमने यह पुरुषार्थ किया है तब तो माला बनी है, 8 की 108 की, 16,108 की, कल्प कल्प बनती रहती है। माला किसका यादगार है यह भी तुम जानते हो, बाकी दुनिया को पता नहीं क्यों क्या कैसे। वह तो माला का सिमरण कर बहुत मस्त हो जाते दुनिया के अंदर। भक्ति में क्या होता है और ज्ञान में क्या होता है यह भी तुम ही जानते हो।
दुनिया में तो ज्ञान ही नहीं है, खाली भक्ति, इसलिए जानने की कोई बात ही नहीं आती। तुम किसको भी समझा सकते हो, पुरुषार्थ करते करते आखिरी पिछाड़ी की रिजल्ट कल पहले मुआफिक निकल जाएगी। हर एक अपनी जांच करते रहो, चेक एंड चेंज। तुम समझते हो हमको यह बनना, यह मतलब लक्ष्मी नारायण बनना है। पुरुषार्थ की मार्जिन मिली, अभी भी मार्जिन है। नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार बाप भी तुम्हारा स्वागत करते। देखा कहाँ मधुबन में, या तो अपने बाबा के बच्चे बने उस प्रीति से। तुम बच्चे जो स्वागत करते हो उनसे जास्ती बाप तुम्हारा स्वागत करते। बाप का धंधा ही है क्या तुम्हारा स्वागत करना, यहाँ भी और घर में भी। स्वागत माना सदगति, यह सबसे ऊंचा स्वागत है। तुम सबका स्वागत करने बाप आते, मेरे स्वागत मतलब सदगति। सदगति वही दे सकता है, दूसरे कोई भी सदगति दे नहीं सकता। और सदगति के अंदर गति छिपी हुई है। अच्छा, मीठे मीठे सिकल दे बच्चों प्रति, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सारे पहले पॉइंट, बहुतों की आशीर्वाद लेने के लिए क्या करना है, कल्याणकारी बनना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते भी अपने को बंधन से मुक्त कर सुबह शाम ईश्वरीय सर्विस जरूर करनी है ना, जितना समय मिले उतना। दूसरी बात है, और नहीं मिले तो थोड़ा निकालना भी है। दूसरी बातों में अपना समय वेस्ट न कर बाप को याद कर माइट ले ली। सत के संग में ही रहना है, मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देने का ही पुरुषार्थ करना। अब कहते हैं सुख दो सुख लो, है ना, बाबा का ये सबसे बड़ा स्लोगन है। दुख नहीं, दुख ना दुख दो ना दुख लो, सुख की बात ही करो, नेगेटिव छोड़ो। आज का वरदान है पवित्रता के वरदान को निजी संस्कार बनाकर, बाबा की ओर से सबको मिलता है ना वरदान, पवित्र भव योगी भव, पहला वरदान है, कोर्स पूरा होते ही सबको बाबा देते। तो उसको निजी संस्कार, अपने संस्कार बनाकर जीवन बनाने वाले मेहनत मुक्त भव, तो जीवन बनेगा और तो मेहनत नहीं लगेगी, क्योंकि वरदान में मेहनत नहीं होती है। तो बाबा समझाते हैं, कई बच्चों को पवित्रता में मेहनत लगती है, इससे सिद्ध है, क्या सिद्ध है, प्रूव्ड है, वरदाता बाप से जन्म का वरदान नहीं लिया है। वरदान में मेहनत नहीं होती, वरदान ऑटोमेटिक होता है, अपने आप कार्यान्वित हो जाता है। हर ब्राह्मण आत्मा को जन्म का पहला वरदान, हर ब्राह्मण आत्मा को पवित्र भव योगी भव। जैसे जन्म के संस्कार बहुत पक्के होते हैं ना, तो पवित्रता ब्राह्मण जन्म का आदि संस्कार, निजी संस्कार, ये हमारा बिगिनिंग का संस्कार है, जन्मते ही मिला है और ओरिजिनल संस्कार है बाबा का, तो उसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगनी चाहिए। इसी स्मृति से पवित्र जीवन बनाओ, स्मृति जितनी रहेगी उतना ही पावर रहेगा, स्थिति बनेगी। मेहनत से मुक्त बनो तो मेहनत से मुक्त हो जाएगी। आज का स्लोगन है ट्रस्टी वही है, हमें सबको ट्रस्टी बनना है, जिसमें सेवा की शुद्ध भावना, कोई अशुद्धि मिली हुई ना हो, कोई भी अपना पर्सनल लाभ ना हो, अशुद्धि की बात ही ना हो। तो बाबा कहते सेवा की शुद्ध भावना, कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं, कोई भी कंडीशन नहीं, इसको कहते हैं शुद्ध भावना। अच्छा, ओम शांति। फिर से कल स्कारबरो सेंटर पर ओपन हाउस है, 10 से 6 बजे तक। मुरली के बाद सब कुछ प्रिपेयर हो जाएगा, आपके संबंध संपर्क में जितने भी हैं उनको खास ले आई, और जिसके पास सगवड़ है वो नहीं आए तो उनको राइड भी दे आने के लिए। ये बाबा की सेवा है,
बाबा की सेवा जितनी करेंगे हमें फल अवश्य मिलेगा। अच्छा, ओम शांति।